गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा टेंथ क्लास में हैं हम। सबसे पहले एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। सबसे पहले लेक्चर बिगिन हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ई नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें और बेटा लाइक भी कर दें। अब देखो, आज हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस को सबसे पहला टाइटल आता है, कन्वेक्स लेंस इज एक्ट्स एज ए कन्वर्जिंग ग्लास। कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग ग्लास, बिकॉज दैट हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ज द लाइट। दैट मीन्स गाइज, वेन एवर टू और मोर देन टू रेज फॉल्स ऑन एन लेंस, देन इट विल स्टार्ट टू कन्वर्ज देम। ये उनको कन्वर्ज कर देगा। ये यहाँ पर एक पैरामीटर दिखाया गया है, दो या दो से ज़्यादा रेज अगर आ रही हैं और इस लेंस को सामने रख दिया तो ये सारी रेज लेंस में से पास होकर के एक पॉइंट एफ पर मीट कर रही हैं। समटाइम दिस इज ऑल्सो नोन एज बर्निंग लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल देते हैं, बर्निंग भी बोल देते हैं। डॉक्टर्स भी कई बार यूज करते हैं कि किसी चीज़ को अगर इमेजिन या इन्वेस्टिगेशंस करना है तो राइटिंग एक्सपर्ट भी इस लेंस को यूज करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये लेंस हमारे पास इस तरह से हैंडल में लगा हुआ होता है एंड दैट इज़ यूज टू मैग्नीफाई देयर, और ये मैग्नीफाई करने के काम भी आता है। सो दीज आर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस का इंट्रोडक्शन है। अब बात आती है कि इमेज फॉर्मेशन, टेबल देखी होगी आपने बुक में, इमेज फॉर्मेशन करनी है कि हाउ द इमेज आर फॉर्म देयर। तो बच्चा हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस बनाएंगे। आज लेंस को दो तीन कॉमन बातें हैं, उनको देखिएगा। इस तरह से एक लाइन सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करके आप एक आर्क लगाते हैं, दूसरी तरफ कंपास को रख करके फिर दूसरी आर्क इस तरह से लगाई जाती है। उसके बाद गए स्केल लेकर के इसके मिरर के दोनों अपोजिट टर्मिनल को लेकर के डॉटेड लाइन में नीचे लाएंगे। डॉटेड लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस जगह पर मीट करेगी उस जगह पर हम ओ मानेंगे, एंड ओ इज एक्ट एज एन ऑप्टिकल सेंटर। ओ ऑप्टिकल सेंटर है। अब गाइज आपको क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर पर कंपास रखना है और पेंसिल इधर लगानी है। एक बार जितना कंपास ओपन हो गया ना, वो हो गया, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्टिकल सेंटर आपका यहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर पर कंपास और पेंसिल को पहले जितना खोलना है उतना खोल लीजिएगा। अब दूसरी बार में आपको क्या करना है, कंपास को F1 पे रखना है और F2 पर कट लगा देना है। लाइक टू एज O पर कंपास की टिप होगी और पेंसिल यहाँ पर आएगी एंड दैट इज़ द F2। अगेन F2 पर कंपास रखना है और पेंसिल आपकी 2F2 पर। इन दिस सेंस वी हैव द फोर मार्क F1, 2F1, F2 एंड 2F2। और बच्चा ध्यान रखना, एग्जाम्स में एग्जामिनर डाइसेक्टर से यही करके देखते हैं। किसी भी बच्चे ने कोई भी ज्योमेट्री बना रखी है तो सबसे पहले डाइसेक्टर से ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो आगे का काम चेक होता है, और अगर इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आगे का वर्क चेक नहीं होगा। लास्ट वीडियो में भी आपको बोला गया था, जो डायग्रामेटिक डायग्राम्स है, डायग्राम से थ्योरी चेक होगी या थ्योरी से डायग्राम, वाइस वर्सा है। थ्योरी ठीक है, डायग्राम गलत है, सब गलत हो जाएगा। डायग्राम गलत हो रहा है, थ्योरी ठीक लिखी हुई है, फिर भी सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ देखिएगा, जो लिखा गया है और जो डायग्रामेटिक है, दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अब बच्चा हमारे पास आती है इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन, अगेन द प्रोबेबिलिटी टू फॉर्म द इमेज आर 6 राइज। फिर से 6 इमेज बनने की संभावना आ गई। और गाइज ये जो 6 इमेज बनने की संभावना आ गई, इनमें से पहली इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स यहाँ पर पहला पॉइंट F1, दूसरा 2F1, इसके पीछे बियॉन्ड 2F1, और बच्चा जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ख़त्म हो जाता है उससे पीछे चले गए तो एट इन्फिनिटी। तो आज भी पहली पोजीशन आ गई एट इन्फिनिटी। उस दिन भी बोला गया था लास्ट वीडियो में, बेटा इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आओ। जैसे ही आप इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आएंगे, आप कहाँ पहुँचेंगे, सही जवाब है बियॉन्ड 2F1। आप 2F1 के पीछे पहुँच गए, उसके बाद थोड़ा सा और आगे आइएगा, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो तीसरे पॉइंट पर आप आ जाएंगे एट 2F1। इस जगह पर थोड़ा सा और आगे आइएगा, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आप आ जाएंगे इन बिटवीन द 2F1 एंड F1। फोर्थ फिफ्थ ज्योमेट्री एट F1, आप F1 पर पहुंच गए। और बच्चा सिक्स्थ बिटवीन O एंड F1,
ओ और एफ वन के बीच में आपकी सिक्स ज्योमेट्री बन जाएगी। दीज आर द रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म एट विच वेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट देन इमेज आर फॉर्म देयर। अब गाइज बारी बारी से हम इमेज डिस्क्राइब करेंगे, आप भी प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, बार बार बोला जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा बीच में भी कहीं भी जहां आपको लगे। अब देखो पहला पहला ले रहे हैं, कोई भी इमेज बनाने से पहले रूल वही रहेंगे, मैं रिवाइंड करवा दूं एक बार, अगर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो बेटा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी देन ऑल रेज कम्स पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इफ रेज कम्स पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म दे मस्ट मीट एट द एफ, वो फोकस पर मीट करेंगी। अब दूसरी एक बात याद रखिएगा, एक प्रॉब्लम है, कुछ लोग डायग्राम बनाते टाइम सम स्टूडेंट्स बेंट द रेज फ्रॉम दिस आउटर बाउंड्री अप टू दिस एंड दैट। आपको करना क्या है गाइस, ये सारे डायग्राम रॉन्ग है, आपको लेंस के अंदर जो डॉटेड लाइन की वर्चुअल लाइन आई हुई है जो डॉटेड, इस रे को डॉटेड लाइन तक लाना है और डॉटेड लाइन के बाद फिर बेंट करना है आपको, अगर कहीं भी करेंगे तो आउटर बाउंड्री से बेंट ना करें प्लीज। आउटर बाउंड्री उसका एज है, एज से रिफ्रैक्शन नहीं होता, लेंस में रिफ्रैक्शन मिड सेक्शन से होता है क्योंकि लेंस एक्चुअल में दो मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, तो एज बाहर नहीं है, मिड सेक्शन में एज है, दो लेंस के मटेरियल ऐसे जुड़े हुए हैं बेटा, तो अंदर वाली सेंट्रल लाइन पर मेरे सारे डायग्राम में आप देखेंगे डॉटेड लाइन से रिफ्रैक्शन शो किया गया है, समझ गए होंगे। चलो चलते हैं फर्स्ट वीडियो, पहली इमेज की पहली वीडियो है ये देखिएगा, सबसे पहले बोला गया था व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। बेटा प्लेटफॉर्म तो यही बनाना है, लेंस बनाना है एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू बराबर बराबर, और अब कंडीशन है एट इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए दोनों पैरेलल। अच्छा याद रखिएगा, एक अबो द प्रिंसिपल एक्सिस एक बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी आ सकती थी, दोनों अबो द प्रिंसिपल एक्सिस भी आ सकती हैं, दोनों रे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी आ सकती है, नो इशू एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब गाइस दोनों रेज अबो द प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, लेंस के मिड सेक्शन से रिफ्रैक्शन होने के बाद वो एफ टू पर मीट करेंगी। अब हमारे पास जो बात आई वो क्या आई, अभी कह रहे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है एट इन्फिनिटी, पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ आ गई एट एफ टू। अब की बार हमारे पास कैसी है, तो ये कह रहे कि रियल है इन्वर्टेड है और पॉइंट साइज बिल्कुल छोटे साइज की है, पलट जाएगी ज्योमेट्री, पहली क्लियर होगी गाइस। सेकेंड पर चलते हैं, इन्फिनिटी से आगे चले तो किसके पीछे आ गए 2F1 के, सेकंड है बियॉन्ड 2F1। देखो ये सेम उसी तरह से हमने डायग्राम बना दिया, ये 2F1 है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की टिप से दो रे, पहली रे पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी वो F2 में से पास होगी और सेकंड O में से पास होगी। मिरर में हर बार ऑब्जेक्ट की टिप से दो रे गई थी, पहली पैरेलल जो पैरेलल गई वो फोकस में से और दूसरी हर बार सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से गई थी, आज पहली पैरेलल हमेशा F2 में से जाएगी, दूसरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर O से जाएगी, बेटा क्रॉस कर गई, इन दोनों के बीच में मीट हुई है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर है बियॉन्ड 2F1, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, दोनों के बीच में बनी है, कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड, ये रही रियल है इन्वर्टेड है बट ऑब्जेक्ट से छोटी है, सो रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दो इमेज क्लियर हो गई होगी गाइज आपकी। तीसरी पे आओ बेटा, उस दिन भी मैंने बोला था थर्ड इमेज इज वेरी टिपिकल, बड़ी मुश्किल है, मुश्किल इसके कारण हो जाती है सिर्फ क्योंकि आंसर आता है नेचर में रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। बेटा पहले बताया जा रहा है एग्जामिनर यहाँ डाइसेक्टर लगाता है और यहाँ लगाता है, पैरेलल साइज सेम साइज आना चाहिए, सेम साइज आएगा तो बस इमेज के साइज के अकॉर्डिंग कंडीशन चेक करेंगे, तो ये इमेज कभी कभी सही नहीं आती, तो हम आपको पहले ही सलाह दे रहे हैं, उस दिन भी बोला था आज भी बताया जा रहा है गाइज आप लेंस बना लीजिएगा, एंड वेन एवर यू स्टार्ट टू मेक द लेंस, जब आपने लेंस बना दिया तो लेंस के यहाँ से पहले इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिएगा और गाइज मेजर कर लीजिएगा यहाँ से ये कितना है, जितना ये यहाँ है इतनी ही दूर आप पहले ही सेम साइज की इमेज कंस्ट्रक्ट कर दें। पहली रे पैरेलल लाइएगा, पैरेलल रे को फोकस मत दिखाना F2,
पहली रे पैरेलल जो पैरेलल आई है उसको यहाँ से निकाल दो, और जैसे ही दूसरे वाली को ओ से निकालोगे वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर जा करके मीट करेगी। इन दिस सेंस वी कैन कैपेबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द सेम साइज। इस तरह से जो इमेज आएगी वो सेम साइज़ की आएगी बच्चा। और अगर आप मैनर से करना चाहें F1, F2, टू F2 और टू F2 लेकर के, तब भी सेम साइज़ की आपको वो इमेज आएगी। तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट F2 F1 ये रहा, पोजिशन ऑफ इमेज F2 F2 टू F2 के ऊपर है। नेचर कैसा है, सामने दिख रहा है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसका सेम साइज है। गाइज थर्ड इमेज इज ओवर। थर्ड मिरर में भी थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थी गाइज, और यहाँ भी थर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ इमेज आती है हमारी, ये रही फोर्थ पोजिशन बिटवीन F1 एंड टू F1 एंड ये रहा हमारा बिटवीन टू F1। यहाँ पर गए हैं, यहाँ आ गया था टू F1 और F1, यानी कि F1 और टू F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है हमारा। तो हम क्या करेंगे, ये देखो F1 और टू F1 के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया गाइस। पहली रे पैरेलल जो पैरेलल गई है वो F2 में से, दूसरी O में से इधर। एक चीज़ तो आप यहाँ से नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द लेंस आ रहा है, इमेज विल स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द लेंस, उतनी ही इमेज लेंस से दूर जा रही है। गई इमेज बन गई। अब की बार देखना पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है बिटवीन F1 एंड टू F1। बच्चा ये इमेज बड़ी ईजी हुआ करती है, देख करके ही तो लिखना है। पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द टू F2। और नेचर कैसा बना, रियल है, इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट से लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देख लीजिएगा, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये चारों इमेज समझ आ गई होंगी गाइज। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, थैंक यू।